तो भाई स्वागत है आपका हमारे सुकून वाले रिजॉर्ट के अंदर। आई एम श्योर आपने ऐसी प्रॉपर्टी कहीं नहीं देखी होगी जिसके अंदर ऐसा व्यू आता। अभी वैसे ये नॉर्मल हाइट पे है और ये इसकी नॉर्मल हाइट। इनकेस अगर आप कैपिटोशिया नहीं जा सकते तो आप इस वाली जगह पे आके एक्सप्लोर कर सकते। और हॉट एयर बैलून का प्राइस पता क्या है? सिर्फ 300 रुपए पर पर्सन। ये जो सीढ़ियां है ना, ये आपको एक बॉलीवुड मूवी की याद दिलाएगी जिसमें कादर खान ऊपर से उतरता है और अपने बेटे को डांटता है। भाई इस पॉइंट को कहते हैं क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट और यहाँ से आप क्रोकोडाइल स्पॉट कर सकते हो। इसका नाम अभी तक आपने सजेस्ट नहीं करा, भाई नाम सजेस्ट कर दो। तो अगर आप ये वाला रिजॉर्ट या प्रॉपर्टी या होम स्टे बुक करना चाहते हो तो वन डे का एंटायर होम स्टे आपको पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू, ते सबनू राम राम, ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। आज है संडे एंड आई होप आपका संडे बहुत मजे में जा रहा होगा एंड यू मस्ट बी एंजॉयिंग दिस वीकेंड एज वेल। आज मैं आपको रोशन से मिलवाता हूँ। रोशन वही हैं जो हैदराबाद में हमारा डिटेलिंग डेविल्स का एक्सक्लूसिव स्टोर खोल रहे हैं। इट्स गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर इन इंडिया फॉर अस और बहुत ही टेस्टफुली बन रहा है, तो आपको मिलवाते हैं। स्पेशली भाई हैदराबाद से आया तो उसको फिर दिल्ली भ्रमण भी कराना ज़रूरी है, दिल्ली दर्शन भी कराना ज़रूरी है, नॉट भ्रमण ओनली, दिल्ली दर्शन कराएंगे उसको, बढ़िया बढ़िया जगह लंच कराएंगे और उससे बहुत सारी करने वाले हैं बातें। चलो भाई इट्स टाइम टू से गुड बाय टू रोशन। रोशन ने पूरा दिन दिल्ली में स्पेंड किया और हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर गए। रोशन अगली बार अगर आप आओगे ना तो एटलीस्ट 2 दिन निकाल के आना ताकि पीछे वाले के साथ और जोक्स करें। रोशन भाई आना यार, ये देख लो रोशन भाई खाना खा के जा रहा है। खाना है सारा खाना तो बेटा तू खा गया रोशन का, देखा नहीं हेल्थ कम किस लिए लग रही है? इसी वजह से लग रही है, पीछे वाले बंदे ने खाना खा लिया। ये सत्य घटनाओं पर आधारित कुछ भी नहीं है इसमें, अच्छा बोला जा रहा है। या यहाँ मैं कुछ और खा रहा था क्या? भाई ने खूब सारी गालियां खाई है। नहीं नहीं मैंने दिया भाई। अच्छा आपको तो ब्लॉग में बोल दूं। काटना मत, बीप आ जाएगी। चलो भाई बाय बाय। ऐसे कैसे बाय? अल्लाह तौबा माफ करे भाई। भाई का ना एक बिजनेस आइडिया सुन लो। सुना भाई। पहले मेरी टांग निकली थी। फिर मैं सौरभ भाई के पास आया, बहुत प्यार दिया मेरे को। फिर मेरी दूसरी टांग भी तोड़ दी थी लेकिन मैं टांगे। आपका फोन आ रहा है। लगता है गुड़गांव का जाम यहाँ तक पहुँच गया, इतनी भीड़। The next day. तो भाई टैंक फुल कराया जा रहा है ताकि गाड़ी के अंदर पता चल सके कि एग्जैक्टली डीजल कितना लगने वाला है, क्योंकि ये पहला ट्रिप है अपना इस पे। इसका नाम अभी तक आपने सजेस्ट नहीं करा, भाई नाम सजेस्ट कर दो। भाई गुड मॉर्निंग सबको, सत श्री अकाल सबनू, तो सबनू राम राम, सबनू सलाम एज वेल। भाई हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट जो हमने अपना एक होम से स्टार्ट किया था उत्तराखंड में, तो वहाँ के लिए निकल गए हैं। अभी हर्षदीप पाजी प्रिंस और हर्ष जो सारी चीज़ें देखते हैं ना गेटवे वेन्यू में, वो ज्वाइन करेंगे हमारे को ऑफिस। आज काफिले के अंदर जाएगी एक ये जी वैगन और अपनी रेंज रोवर। प्रिंस टाइम से क्यों नहीं उठा भाई? आधा घंटा पहले आपसे, आधा घंटा। आधा घंटा पहले पिंटू कितने बजे आए हैं जरा कैमरे में बताइयो। कैमरे में चेक कर लो एक बार। हाँ पिंटू आधा घंटा हो गया इन्हें आए हुए। क्या जी इन्हें आधा घंटा हो गया आए हुए? पाँच मिनट हुए। हाँ कितने? पाँच दस मिनट दे रहे हैं। आज प्रिंस तू चाइनीज लग रहा है। नींद नहीं पूरी हुई। चिंकी नहीं कहते नींद ना पूरी होने से। भाई पहले निकालने पड़ेगी ये वाली गाड़ी। तो भाई देखो गाड़ी क्या जबरदस्त चमक रही है। ई रिक्शा नहीं पीछे है, अपनी रेंज रोवर। भाई जो जगह पे हमने जाना है उसका नाम है खटपटिया, जो कि पड़ती है जिम कॉर्बेट से भी ढाई घंटे आगे। 17 किलोमीटर। प्रिंस का फोन आ गया, सारी गलती तो प्रिंस की। हाँ प्रिंस मैं लेफ्ट क्यों लगाऊंगा, सीधा सीधा आया आपका। अभी वैसे ये नॉर्मल हाइट पे है और ये इसकी नॉर्मल हाइट है, इसकी तो बढ़ नहीं सकती, लेकिन जब इसकी बढ़ाएंगे ना है प्रिंस लेट के दिखा। अगर तुम्हारी क्लियर हो गई तब तो ठीक है, अगर कुछ अटक गया माल तो फिर भाई ग्राउंड क्लियरेंस ठीक नहीं है प्रिंस। मैं जी वैगन के थल लेट सकता हूँ।
रेंज में। अबे जबकि उसकी तो हाइट बढ़ा सकते हैं भाई। चेंज ऑफ प्लान हो गया। प्रिंस ने वहाँ सारा ऑर्डर लिखवाने के बाद बोलता है अब हल्दीराम चलेंगे। प्रिंस ये बहुत गलत बात करी तूने। पता है छोले भटूरे मिल रहे हैं तो छोले भटूरे मिल रहे हैं। एक कटोरी देसी घी मांग लेना पीने के लिए। बोले मेरी प्लेटों में ग्रीस खत्म हो गई। टाइटेनियम की प्लेटें आपस में रगड़ रही है। चिंगारी आ रही है। चिंगारी आ रही है। भैया जिसका जो जो काउंटर का है वो काट के आगे पीछे दे दो जिसका भी। एक कटिंग थी, एक वो तीन कटिंग थी, एक प्लेटों को देख के आप समझ ही जाओ कितने भुखड़ लोग होंगे। कुछ नहीं छोड़ा। ये देखो प्रिंस, ये तू अपनी आधी गुजिया तो था। नहीं है, उनकी है। कैसे उनकी है? लेके तो तू आया भाई। अपना सारा सामान ये स्नैपचैट पे डालता है ना। बड़ी नाइंसाफी हुई। सामने भी कुछ था क्या? हाँ, ये तो ज्यादा बेटर था उससे। देखो प्रॉपर रेस्टोरेंट था यहाँ। हाँ, और देखो हवाई जहाज भी खड़ा था। तो भाई हमने ना एक कट गलत ले लिया था, लेकिन फायदा क्या हुआ कट गलत लेने का? हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और पाजी और मैंने कॉफी उठा ली है और हम ये कर रहे हैं चेयर्स। चेयर्स पाजी। रात भी उतरी नहीं है थानू? कॉफी कॉफी नहीं उतरी। हाँ, वही मैं कह रहे हैं रात ही। तुझे कल तुझे तीन तीन कॉफी पीती है। सही में। हाँ चलो कोई गल नहीं, चलता है। तो हम सीधा जाके रुकेंगे आपा उत्तराखंड। भाई वेलकम टू काशीपुर। काशीपुर पहुंचने तक ना अभी तक यहाँ गलियों का जो ट्रैफिक है ना वो हाईवे पे लगा हुआ है, और जो हाईवे का ट्रैफिक है ना वो आपको अगर आप इस टाइम आते हो ना तो और परेशान करेगा। तो आप ना अर्ली मॉर्निंग निकलना। हमारी तरह नहीं कि हम सोच रहे थे हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। हमारे को टॉल पर बहुत परेशानी है भैया। देखो अंकल लगे हुए हैं ट्रैफिक रिजॉल्व कराने के लिए, पर यहाँ पर ना छोटा ट्रैफिक ज़्यादा है और लोग उल्टे सीधे आते हैं। भाई इसे कहते हैं एक्चुअल स्मार्ट कार। इसके अंदर लगे हुए हैं दो कैमरे और ये चेक करता रहता है कि ड्राइवर की अटेंशन कितनी है, उसके हिसाब से सजेस्ट करता है कि आपको कब ब्रेक लेनी चाहिए। अब आ गया हमारे पास नोटिस। नोटिस यह है कि भाई अटेंशन असिस्ट टेक अ ब्रेक। कह रहे तुम गाड़ी चलाने लायक नहीं हो, अब ब्रेक ले लो। चलो अब ब्रेक लेते हैं भाई। काफ़ी देर से चल ही रही है गाड़ी, 5 घंटे हुए चलाते हैं हमारे। तो भाई वेलकम टू रामनगर। रामनगर है ना भाई। हमने यहाँ पे टैंक कराया था फुल और कुछ हमारे को भी प्यास लग रही थी तो हमने कुछ अपने लिए मीठा मीठा लिया है। yes. जूस लिया हमने। लाइम जूस लिया भाई, एप्पल जूस लिया भाई। अब यहाँ से आगे तक का सफ़र जो रहेगा वो 2 घंटे 34 मिनट 2.5 घंटे का लगभग रहेगा, और ये सारा का सारा जो रास्ता है वो पहाड़ी वाला है, इसलिए 76 किलोमीटर को कवर करने में हमें लगने वाले 2 hours and 30 minutes। बीच में हम अभी लेंगे लंच ब्रेक भी, और आप ये एंजॉय करो व्यू। दोनों तरफ ग्रीनरी और बीच में आती हुई ग्रीन जिप्सीज भी, और साथ में चलता हुआ एक स्कूटर जिसका इंजन एक्सपोज है बाहर से, ये देखो। और बेसिकली हमने ना फॉरेस्ट एरिया के अंदर एंटर कर दिए। यहाँ से जिम कॉर्बेट जो पड़ता है वो 17 किलोमीटर पड़ता है हमें, लेकिन 17 किलोमीटर से आगे 50 किलोमीटर जाना लगभग। तो भाई लंच ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं विलेज वाटिका ऑर्गेनिक डाइनिंग पे। भाई गाड़ियाँ दोनों यहीं पे कर दी है पार्क, इसको थोड़ा सा आगे कर रहे हैं ताकि इनके एंट्रेंस ब्लॉक ना हो। बाकी देखते हैं क्या ये खिलाते हैं आज। क्या खिलाओगे, क्या फेमस है यहाँ का? सर हमारा चाइनीज बेस्ट है जनाब। चाइनीज बेस्ट है हिंदुस्तान में? चाइनीज बेस्ट है मेन्यू में? अच्छा आपका चाइनीज बेस्ट है और अच्छा बनाया हुआ आपका डेकोर अच्छा है ग्रीन। हाँ गाड़ी वापस घुमा के लेके ऊपर बैठेंगे। बढ़िया जगह बताओ जहाँ व्यू अच्छा है, बढ़िया स्टोरी बनी पीछे अच्छा है। अच्छा गुड लुकिंग कैफे। बाकी देखते हैं खाने में क्या खिलाते हैं। साथ में नदी भी चलती हुई नजर आ रही है। नदी नहीं नाला है, नदी है, नदी है, छोटी सी नहर है भाई, प्राइवेट नहर है। और इनका एम्बियंस कुछ इस तरीके का लग रहा है, बढ़िया लग रहा है भाजी। हर्ष बढ़िया लग रहा है। इन्होंने ग्रीनरी ग्रीनरी पूरी जगह लगा रखी है। इतने प्लांटर्स को टेक करने के लिए 3-4 माली तो रखे होंगे इन्होंने। सब ओरिजिनल है। आज खाली कैसे हो? आज खाली क्यों? अच्छा आज मंडे है। अब आप आओ। हाँ सो भाई फूड वाज अमेजिंग, सब ने जम के खाया। और अब ना थोड़ी थोड़ी नींद आने वाला सिस्टम हो रहा है, तो सोचा कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली जाए। तो दे हैव अ नाइस बेकरी ओवर हियर, तो कुछ वहाँ से खाते भी हैं और साथ में कॉफ़ी पीते हैं। और यहाँ देखो इधर फोटोग्राफी करते हुए प्रिंस और पानी खाते हुए। पानी हाउ हाउ इज द टेस्ट? वेरी नाइस।
मतलब अच्छा हुआ ना हम वापस ले आए यहाँ पे, मतलब मैंने देख लिया मेरी मेरी सिचुएशन सही थी ना। मैं हैं क्या पता भाई, तू बोले थे रुक जाओ, तूने कब बोला बताना, एक बार बोला नहीं मैंने। अरे तेरे कहने पे रुकी हम यार, थैंक यू टू यू। ये कितना मैंने बोला नहीं अच्छा बना हुआ है, इतना खराब आदमी है ना। मैं यू टर्न लेके आया स्पेशली, मैंने कहा यार इधर ही रुक जाते। सो गाइस, इफ यू आर क्रेविंग फॉर गुड फूड व्हाइल हेडिंग टुवर्ड सुकून और जिम कॉर्बेट, दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। आप यहाँ के विजिट करो एंड एन्जॉय द फूड, फूड इज़ अफोर्डेबल एंड वेरी नाइस। भाई आप में से कौन कौन कैपेडोशिया गया, अगर नहीं गए तो यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कर सकते हो हॉट एयर बैलून का भी और केव्स का भी। तो यहाँ पे केव्स मिल जाते हैं जो कि नेचुरल केव्स हैं, उसमें उन्होंने सेटअप लगाया हुआ है पूरा, वन बेडरूम टू बेडरूम ऐसा वाला। आप आके रुक सकते हो, एवरेज जो उनका रेंटल रहता है वो 15,000 से 20,000 रहता है। तो इन केस अगर आप कैपेडोशिया नहीं जा सकते तो आप इस वाली जगह पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो। और हॉट एयर बैलून का प्राइस पता क्या है, सिर्फ 300 रुपये पर पर्सन। प्रिंस ने सोचा था वो करेगा लेकिन करा नहीं, वो कह रहा कि मैंने ना मसाज करानी है, तो 300 रुपये ये सेव कर रहा है। नहीं नहीं, बैलून इज गुड, हॉट एयर बैलून इज गुड कह रहे हैं। चलो बता देना कमेंट करके कौन कौन कैपेडोशिया गया, अगर नहीं गए तो यहाँ आके एक्सपीरियंस करो केव्स को और आके हमारे यहाँ पे सुकून पे रिलैक्स करो। यस, सुकून पे आके सुकून लो, बढ़िया खाना खाओ। अबे कूपन कोड तो बता दो जो मेरा लगेगा। हाँ, इसका कोई कूपन कोड नहीं लगेगा, मैं बताऊँगा मेरा कौन सा कूपन कोड यूज़ करना है आपने। इसकी बातों में मत आना, कोई बात सच नहीं होती। अभी प्रूफ करके दिखाऊँ, देखो प्रिंस हमारे हाथों में कितनी उंगलियाँ होती हैं। हमारे हाथों में कितनी, 5 हर्ज प्रूफ हो गया ना, 4 उंगलियां होती है कम उठाए। अच्छा ओके, और हाथों में तो 8 होती है। अच्छा ओके ठीक है। देखो भाई प्रूफ, इसकी बातों में मत आना भाई। रोड थोड़ा सा स्टीप है और अपनी तरफ ही रख के चलाएं गाड़ी, ट्रक वालों को जगह दे दो वरना टच होने का डर है यहाँ पे। और बीच बीच में आपको ना सीमेंटेड पैच मिलेंगे, और ये सीमेंटेड पैच बेसिकली इसलिए ताकि यहाँ पे ना जो बारिश का पानी आता ना वो रिवर से मिल जाए। तो यहाँ पे बरसाती नदियाँ हैं जो कि बारिश के बाद ही क्रिएट होती है भाई। बाकी कोई लैंडस्लाइड वैंडस्लाइड होने का यहाँ पे ख़तरा नहीं है। तो भाई धीरे धीरे लाइट कम हो रही है क्योंकि यहाँ पे पेड़ों की हाइट बहुत अच्छी खासी है, और ये सारे के सारे ना घने घने पेड़, तो जिसकी वजह से ना अगर हम 1 घंटे 1.25 घंटे में नहीं पहुँचे ना तो दिक्कत हो जाएगी। चलो भाई थैंक यू वेरी मच, बस वाले ने बस दे, ओ जगह दे दी, बस ले लेते हैं ना, बोलो तो आप। बस वाले ने बस कर ली अपनी, कह रहा है मैं और पीछे आपको नहीं झेल सकता, आप आगे जाओ। उसको पता है ना प्रिंस बैठा आपके साथ। हाँ भाई, असली पहाड़ों की ना ड्राइविंग का प्लेजर मुझे यही मिल रहा है, अदरवाइज अब तक जहाँ जहाँ मैंने ड्राइव करी है वहाँ पे इतने ना कर्व नहीं आए, और बीच में दो दो मतलब 2 या 3 हेयर पिन भी है, देख रहे हो 1-2। तो आप यहाँ पे आओगे ड्राइविंग को एंजॉय करो, बट आना डे टाइम में ही बेटर होगा, बिकॉज जो रोड की विड्थ है ना वो बहुत ही कम है, पर मज़ा आएगा आपको। रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया बनी हुई है, और कई कई पैच तो आपको काफ़ी बड़े मिलेंगे जहाँ पे अगर कोई ट्रक ख़राब हो जाता है तो वो रिपेयर करते हैं। भाई इस पॉइंट को कहते हैं क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट, और ये नदी ना भरी हुई होती है, जो अभी खाली नज़र आ रही है ना बिल्कुल भरी हुई होती है, और यहाँ से आप क्रोकोडाइल स्पॉट कर सकते हो। हाँ फाइनली पहुँच गए हैं। तो ये जो रास्ता है ना ये आपको ऊपर लेके जाएगा, और यही रास्ता आपको नीचे लेके आएगा, और ये जो रास्ता है आपको सुकून की तरफ लेके जाएगा। तो इसकी जो डिटेल्स है वो मैं अपने व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और जिसको यहाँ पे आना है अपनी लाइफ में सुकून पाना है वो यहाँ पे आ सकता है। अभी आपको ऊपर चल के देते हैं अपने इस रिजॉर्ट का टूर। इट इज़ मोर और लेस लाइक होम स्टे बट कंप्लीट रिजॉर्ट टाइप बना हुआ, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और अपना प्राइवेटली फैमिली वेकेशन एंजॉय कर सकते हो, फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स के साथ भी आके अपना एक प्राइवेट वेकेशन प्लान कर सकते हो। लो जी आगे देखो हम अपने सुकून में। तो सबसे पहले मैं आपका कराता हूँ पूरे सुकून का टूर। ये प्रॉपर्टी जो है ये 3 एकड़ में बनी हुई है, और जैसे ही आप प्रॉपर्टी की पहली एंट्रेंस पे आएंगे, मतलब एंट्रेंस पे आएंगे, तो आपको ये मिलेगी फुल फ्लेज पार्किंग जहाँ पे आप इजीली 20 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो। जैसे ही आप प्रॉपर्टी के अंदर एंटर करोगे, मतलब एंट्रेंस तो हो ही गई है, ये वो वाली एंट्री जहाँ से आपको रूम्स की एंट्रेंस मिलेगी,
टोटल हमारे पास है 7 रूम और ये इतना बड़ा लॉन जिसका व्यू आपको ये हिमालयस की हिल स्टेशन दिखाता है, पूरी हिमालयस रेंज दिखाता है। एक रूम का मैं आपको टूर दिखा देता हूँ। तो हमारे रूम कुछ इस तरीके के, लार्ज साइज बेड और हर रूम से आपको ये कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। देन आपको इंटीग्रेटेड हीटर मिलता है एंड देन इतना बड़ा बाथरूम जहाँ पे आप एक से ज्यादा बंदे नहा सकते हो, लेकिन एक ही अलाउड है। आपको मेन एंट्रेंस पे लेके चलते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी से आप अंदर एंटर करते हो और हॉल रूम में आते हो। चलो जी, तो ये जो प्रॉपर्टी है बनता है आपका परफेक्ट हॉलीडे स्पॉट या होम स्टे, क्योंकि आपको मिलता है इतना बड़ा हॉल। यहाँ पे आपका पूरा खानदान एंजॉय कर सकता है और एंजॉय क्या कर सकता है, इनफैक्ट आप यहाँ पे आके एक एक हफ्ता रह सकते हो। हमारे पास है लाइव किचन, यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट करो और साथ में इस व्यू का नज़ारा लो। डेडिकेटेड आपको 2 शेफ मिलेंगे यहाँ पे और ये लाइव किचन कुछ इस तरीके की है, आपको घर जैसा ही फील होगा। ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये आपको एक बॉलीवुड मूवी की याद दिलाएगी जिसमें कादर खान ऊपर से उतरता है और अपने बेटे को डांटता है। बेटा कौन था उसका, ये आप एक वो बताना, कमेंट करके बताना। तो ऊपर से व्यू देखो कुछ ऐसा नज़र आता है। यहाँ पे आपको रिक्लाइनर्स मिल जाते हैं, ये प्रॉपर एक सोफ़ा सेट मिल जाता है और एक मसाज वाली चेयर भी मिलती है। देन ऊपर मैं आपको 2 स्वीट्स का भी टूर कराता हूँ। तो भाई ये इतना बड़ा स्वीट है जिसको आप स्वीटली यूज़ कर सकते हो, और जैसे ही आप यहाँ से बाहर बालकनी में जाते हो तो आपको सेम व्यू मिलता है। हर मतलब हर प्रॉपर्टी का हर रूम जो है ना, वो आपको यही व्यू दिखाता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। सारे रूम आपको कोजी मिलेंगे, हर रूम के साथ बालकनी अटैच्ड है। तो भाई इसको जो डिज़ाइन किया गया ना, वो परफेक्टली ऐसे डिज़ाइन किया गया कि आपको होम अवे फ्रॉम होम लगे। अब भाई की हाल चाल भाई, टूर किन दे रहे हो तुम भाई? इस घर का बैकयार्ड भी है, तो मैं आपको बैकयार्ड का टूर कराने लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप अपना प्राइवेट क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, और ये पूरा का पूरा आपको जहाँ जहाँ बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है ना, वो सारी प्रॉपर्टी हमारी है। और आप इतने यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, और ट्रैक करके ना ऊपर हिल के ऊपर जाके आप स्काउटिंग भी कर सकते हो, और आप वहाँ पे अपना प्राइवेट टेंट लगा के चाय वाय भी बना सकते हो। तो कैंपिंग का भी मज़ा आपको यहीं मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलता है डेडिकेटेड पावर बैकअप और 24 आवर्स इंटरनेट, क्योंकि मोस्टली आप ऐसी जगह पे आके मतलब आइसोलेटेड तो ही जाते हो, बट आपको कनेक्टिविटी देने के लिए हमने यहाँ पे इंटरनेट का प्रोविज़न किया हुआ है। भाई जब आप ये सीढ़ियाँ उतरोगे ना, तो आपको फील आएगी कि आपका ये जो घर है ना, वो घर ही बंगला है। सुबह आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी एंजॉय कर सकते हो, तो आपके लिए यहाँ पे अरेंजमेंट किया जा सकता है ब्रेकफास्ट का, जो कि एक फुल लेविश ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा। और आपकी हर एक चीज़ का ऑर्गेनिक तरीके से इंतज़ाम करने के लिए यहाँ पे करी जाती है स्टेप फार्मिंग, और आपको मिलेगी यहाँ से लाइव वेजीज, यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स लगती है, और नीचे जाके हमारा फ्रूट गार्डन लगता है, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे फ्रेश फ्रूट्स, जो कि आपको इन सीढ़ियों से जाके पता चलेगा कहाँ पे हमारा है फ्रूट गार्डन। तो भाई अगर आपके साथ आपके ड्राइवर आते हैं तो उनका भी रहने का अरेंजमेंट किया हुआ है, अगर आपके साथ आपके हाउस हेल्प भी आते हैं तो उनके लिए एक आउट हाउस का अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे, और उनका एक सेपरेट किचन भी है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो जैसे कि मैंने पार्क कर रखी है, और उसके साथ हमने एक बनाया हुआ है गेमिंग जोन जो कि इस शेड के अंदर आता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ शेड में क्या क्या आप गेम्स खेल सकते हो, और ये स्पेसिफिकली आपके एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे सो यू गोना रिलैक्स, और आपको टाइम स्पेंड करना होगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो उनके साथ आप खेल सकते हो गेम्स। ये हो गया फ्यूज़ बॉल, देन हमारे पास बैट बॉल खेलने का सारा अरेंजमेंट है, देन हमारे पास साइकिलिंग के लिए है, इफ़ यू आर कमिंग विद योर किड्स वी हैव बाइसाइकिल फॉर द किड्स, एल्स अगर आप चलाना चाहते हो तो आपके लिए बड़ी बड़ी साइकिल भी है। देन वी हैव टेबल टेनिस, कुछ लोग जिम फ्रीक्स होते हैं तो उनको वर्कआउट करना बड़ा ज़रूरी होता है जैसे कि मुझे, तो हमने कुछ यहाँ पे वेट्स का अरेंजमेंट किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपका बास्केटबॉल खेलने का मन है तो बाहर हमने एक रिंग भी लगाया हुआ है। कल वाले व्लॉग में मैं आपको इस पूरी प्रॉपर्टी के सिनेमैटिक शॉट्स डालूँगा, और यू हैव टू कीप सपोर्टिंग अस
यू हैव टू शो योर लव टू अस। और इन केस अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो मैं इस पूरी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन इसी ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो अगर आप ये वाला रिजॉर्ट या प्रॉपर्टी या होम स्टे बुक करना चाहते हो तो वन डे का एंटायर होम स्टे आपको पड़ेगा 40,000 रुपीज़ का। आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना है सौरभ आहूजा वाला, तो आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। और इसके अलावा जो फूड और इन सब चीज़ों का एडिशनल रहेगा डिपेंडिंग अपॉन आपके गेस्ट कितने आते हैं। अभी ये प्रॉपर्टी जो है दैट कैन एकोमोडेट अप टू 35 गेस्ट। तो इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू स्मॉल फैमिली फंक्शन और आउटिंग और यू वांट टू हैव योर लेजर टाइम ओवर हेयर, यू आर मोस्ट वेलकम।